सुवर्णपुर जिला जिसे सोनपुर जिला भी कहा जाता है पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य का एक प्रशासनिक जिला है। इतिहासकारों के अनुसार 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास सुवर्णपुर जिले को पश्चिमी लंका के नाम से जाना जाता था। इसका प्रमाण 10वीं शताब्दी के अंत में सुवर्णपुर जिले के कुमार सोमेश्वर देव के नाम सोमवंशी राजकुमार द्वारा जारी किए गए एक तांबे की प्लेट चार्टर से मिलता है। सोमवंशी शासक के समय में इस जिले ने सुवर्णपुर नाम कमाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर एक पर आता है पतालिसी क्षेत्र। पतालिसी क्षेत्र कोट समलाई में त्रिकुट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और ये जिला मुख्यालय सोनपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये स्थान पुरी के भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। इस पतालिसी क्षेत्र भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की एक गुंफा में पूजा की जाती है। मादला शिलालेख में ये भी कहा गया है कि ओडिशा के राजा सोभनदेव के शासनकाल के दूसरे वर्ष में भगवान जगन्नाथ कोट समलाई के अंदर छिपे हुए थे। तब से इस स्थान को पतालिसी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। रथ यात्रा इस मंदिर का मुख्य द्वार है। इस कोट समलाई पहाड़ के पहाड़ और भव्य प्राकृतिक दृश्य इतने शानदार है कि बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर दो पर है रामेश्वर मंदिर। महानदी और तेल नदी के संगम पर स्थित है। मंदिर का शिवलिंग बहुत पुराना है। किंवदंती के अनुसार भगवान राम को इसकी स्थापना से जोड़ती है। यहाँ देवी पार्वती के साथ भगवान कार्तिक और गणेश की पूजा की जाती है। रामेश्वर मंदिर के पास एक दुर्गा मंदिर भी है जहाँ 10 भुजाओं वाली दुर्गा की छवि विराजमान है। यहाँ दुर्गा को भी पार्वती की तरह शक्ति के रूप में पूजा जाता है। इतिहासकार बीसी मजुमदार के अनुसार रामेश्वर मंदिर चौहान वंशियों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बीसी रथ के अनुसार सोमवंशियों ने इस स्मारक का निर्माण किया था। नंबर तीन पर आता है पूजा डूंगरी। पूजा डूंगरी जिला मुख्यालय सोनपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर तहसील में स्थित है। झाड़ीदार जंगल के बीच का पूरा पहाड़ी परिसर लगभग 1500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पूजा डूंगरी 26 ग्रेनाइट पहाड़ियों से घिरी हुई है। इनमें से महत्वपूर्ण है उषाकोटी, बाघ डूंगरी और कबातले। पूजा डूंगरी सहित इन पहाड़ियों का प्राग ऐतिहासिक महत्व है। सतह की खोज से कुछ कलाकृतियों का पता चला है, जैसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, माइक्रोलिथ, रिंग स्टोन, पी स्टोन, मूलर, जले हुए हड्डी के टुकड़े, नीले हरे कांच की चूड़ी का टुकड़ा, कांस्य चूड़ियाँ, लोहे के औजारों के टुकड़े और लकड़ी की छड़े। पूजा डूंगरी के पूर्व में एक सुरंग का नाम बाबा मठ है और इसे रहस्यमय साधुओं का निवास माना जाता है। नंबर चार पर पंचरथ मंदिर। ओडिशा के सोनपुर में एक अत्यधिक पूजनीय मंदिर है। रथ के आकार में बना यह सुंदर मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसा दिखाई देता है। यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर करीब 5 मंदिर बना है। यहाँ देवी पार्वती के साथ भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय और वृषभ की पूजा की जाती है। मंदिर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि भगवान गणेश की मूर्ति पूर्व की ओर है और आमतौर पर सभी शिव मंदिरों में मूर्ति का मुख दक्षिण की ओर होता है। नंबर पाँच पर आता है फॉरेस्ट पार्क। सोनपुर शहर को नया स्मार्ट पार्क मिला है जो कि फॉरेस्ट पार्क है। ये दिमाग को तरोताजा और आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। फॉरेस्ट पार्क का दूसरा नाम माणिकेश्वरी पार्क है। इस पार्क में प्रवेश शुल्क है 10 रुपये। पार्क विभिन्न फूलों के पौधे और औषधीय पौधों से भरा हुआ है और ये पार्क के अंदर बच्चों के लिए एक छोटा सा क्षेत्र है और वयस्क के लिए जिम की सुविधा भी है। पार्क में साल भर भीड़ रहती है। नंबर छः पर सुवर्णपुर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये ओडिशा के सोनपुर जिले में मौजूद है। ये मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे स्थानीय राजा मदन गोपाल देव ने 1700वीं शताब्दी में बनवाया था। मंदिर एक पूर्वोमुखी मंदिर है और इसका निर्माण कलिंग शैली की वास्तुकला के आधार पर किया गया था। इस मंदिर के मुख्य त्यौहार तोल पूर्णिमा, शिवरात्रि, जागर और कार्तिक पूर्णिमा है। सुवर्णपुर मंदिर सोनपुर बस स्टैंड से केवल 3 किलोमीटर दूर है। आप कटक, भुवनेश्वर, अनुगुल, संबलपुर आदि से सोनपुर के लिए सीधी बस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर सात पर आता है ठेंगो डैम। ठेंगो डैम जिला मुख्यालय सोनपुर से 33 किलोमीटर और वीर महाराजपुर ब्लॉक से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठेंगो बांध सोनपुर जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाली पिकनिक स्पॉट में से एक है और इसे हरिहर जोर में बनाया गया है। एक लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजना है। ये बांध एक प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है। यही कारण है कि हजारों पर्यटकों इस बांध में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। यहाँ आपको बोटिंग की भी सुविधा मिल सकती है।
ये विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों की शीतकालीन आश्रय स्थल है। बांध घने जंगल के पास स्थित है, इसलिए आप हाथी, भालू और हिरण जैसे कई जंगली जानवर को देख सकते हैं। नंबर 8 पर है माँ मेटाकनी मंदिर। माँ मेटाकनी मंदिर सोनपुर जिले के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। ये सोनपुर जिले में एक पहाड़ी किनारे का मंदिर है। देवी मेटाकनी मंदिर सोनपुर जिले के उलुंडा वन क्षेत्र के पास स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार देवी मेटाकनी की उत्पत्ति मेटा नाम की महिला से हुई है, इसलिए इस मंदिर का नाम माँ मेटाकनी शक्तिपीठ है। मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है माँ मेटाकनी मंदिर। मेटाकनी मंदिर सोनपुर शहर से 23 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर सोनपुर और संबलपुर हाईवे के पास स्थित है। नंबर 9 पर आता है भीमो भाई समाधि पीठ। सोनपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर और एक खलियापाली गांव के पास स्थित है। भीम भाई पश्चिम ओडिशा के एक प्रसिद्ध कवि थे और उनका जन्म संबलपुर जिले के रेड़ाखोल उपखंड में हुआ था। वह एकेश्वरवाद पर आधारित महिमा धर्म के प्रवर्तक थे। हालांकि वे नेत्रहीन थे, लेकिन ओडिया भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ था। उन्होंने ओडिया भाषा में कई उपन्यास लिखे। इस समाधि में श्री संत कवि भीम भाई के शव को दफनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 100 साल पहले किया गया था। नंबर 10 पर आता है पापोखे घाट। पापोखे घाट बिनिका के पास महानदी के तट पर स्थित है और यह सोनपुर शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। इस घाट का निर्माण अनंग भीमदेव ने करवाया था। घाट के पास एक विशाल बरगद का पेड़ है। यह धार्मिक स्नान के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हालांकि एक प्रसिद्ध जगह है, लेकिन पर्यटकों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पर्यटकों के लिए एक पुराना आश्रय स्थल है, लेकिन यह घर खंडहर की स्थिति में है।